मैं इस वक्त निकला हुआ हूँ अशोक वाटिका के सफर में। हम टनल में घुस रहे हैं। वेलकम बैक टू द YouTube चैनल गाइज, एंड स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नई वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ इस वक्त एला में, सुबह के बज रहे करीब 6 और मैं अपने हॉस्टल से भाई निकल गया हूँ। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से अशोक वाटिका की तरफ। यहाँ से रेलवे स्टेशन करीब थोड़ी दूर पे ही, लगभग 500 से 700 मीटर। नो आई कैन वॉक, सो मॉर्निंग वॉक। सूर्य अब निकलने वाले हैं और सूरज निकलने से पहले ही मैं निकल चुका हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई ये वाला जो रास्ता आप लोग देख रहे हो, ये रास्ता चला जाता है रावणा फॉल और रावणा का केव जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला रास्ता लिटिल एडम्स पीक और ये वाला रास्ता रेलवे स्टेशन। तो ये सब पीछे छूट गया भाई, अब वक्त आ चुका है कि रावण की इस नगरी से अशोक वाटिका की तरफ चलने का। भाई काफ़ी लोग आ गए यार सुबह सुबह, तो मैंने तो इतने की उम्मीद भी नहीं की थी। आई वॉन्टेड टू बाय अ टिकट इसे? ओके गिरा यार टिकट काउंटर, लाइन लग रही है भाई सुबह सुबह। हेलो टिकट ओ व्हाट इज द टाइमिंग्स ट्रेन 6:40 ओके भाई टिकट मैंने खरीद लिया यार। टिकट मुझे पड़ा है 300 श्रीलंकन रुपीस। 300 श्रीलंकन रुपीस का मतलब हो गया है, आप डिवाइड बाई 4.5 कर दो, उतने पैसे बैठते हैं। अशोक वाटिका जाने के लिए आपको ना नानू गोया रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, तो यहाँ से करीब 3 घंटे का सफर है, 2.5 से 3 घंटे का। ट्रेन पहले से ही फुल है यार, टिकट आपको चाहिए तो बहुत पहले ही बुक करना पड़ेगा। और टिकट कुछ ऐसा देते हैं यार यहाँ पे, ये पहले के ज़माने में मिला करता था। बाकी हमारी ट्रेन निकल चुकी है यार यहाँ से। हाय, यू अंडरस्टैंड हिंदी इंग्लिश? अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो ना श्रीलंका में आकर के, और आपने गेट पे खड़े होकर के सफ़र नहीं किया, इसका मतलब आपने ट्रेन का राइड लिया ही नहीं ठीक तरीके से। सच में यार ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, और मैं इस वक्त निकला हुआ हूँ अशोक वाटिका के सफ़र में, और कोई पॉल्यूशन नहीं है यार यहाँ पर। रखा यार एंटरटेनमेंट का, ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ पे हो, अभी हम टनल में घुस रहे हैं। टनल में घुसते ही यार लोग इतने तेज चिल्लाने लगते हैं ना। भाई हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है किनी गांव।
किनिगामा रेलवे स्टेशन। और किनिगामा रेलवे स्टेशन यार नाम कुछ आपको वैसा नहीं लग रहा, चाइनीज टाइप का नाम नहीं लग रहा आपको? किनिगामा कुसुजीमा किनिगामा। अल्टीमेट है यार ये नज़ारे। फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूं नानू ओया, और यहाँ से अशोक वाटिका के लिए मुझे बस पकड़नी पड़ेगी। सबसे पहले तो यार यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा मुझे। एक्सक्यूज मी, आई वांटेड टू कैच अ बस टू नुआरा एलिया स्ट्रीट। गाइस ये था आपका नानू ओया रेलवे स्टेशन, और यहाँ से भाई मैं ले रहा हूँ बस अशोक वाटिका की तरफ। अगर आपको अशोक वाटिका जाना है तो आपको एला से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी नानू ओया के लिए, और नानू ओया अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप यहाँ से टुक टुक ले सकते हो, नहीं तो आप बस से भी पहुँच सकते हो अशोक वाटिका। अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल में, और सबसे पहले यार मैं अपना ये कैमरे का बैटरी चार्ज करूँगा, क्योंकि बैटरी यार GoPro की ना उतनी चलती नहीं है। देख लो भाई बसेस यहाँ पे पहले से ही खड़ी है। एक्सक्यूज मी, दिस बस गोइंग टू नुआरा एलिया? ओके, थैंक यू। फ्रॉम इंडिया? इंडिया? या या नुआरा एलिया। मयंक? या यू आर फ्रॉम श्रीलंका? यू आर तमिलियन और सिंघलीस? No, you the, Muslim. You're Muslim. जैसा कि मैंने बताया था भाई बसेस की सर्विसेज श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो प्रेफर करना कि बस से ही हर जगह जाना, टुक टुक बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको। अभी यार बस चलने में काफ़ी टाइम है यार, और भाई ट्रेन से मुझे पहुँचने में करीब करीब लगे हैं 6:40 की ट्रेन थी, और 9:30 बजे पहुँच गया हूँ मैं। ज़्यादा लंबी ट्रेन जर्नी नहीं थी, करीब 2 घंटे की थी। बस देख रहे हो टिकट कितने का है, 80 रुपये का। जो अपने बस वाले भाई थे उन्होंने मुझे यहीं पे उतार दिया, और मेरा यहाँ से यार हॉस्टल करीब 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है। रावण की नगरी श्रीलंका इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, और ख़ासकर एला से लेकर के नानू ओया यानी कि रावण की रहस्यमयी गुफाओं से लेकर के अशोक वाटिका तक का सफ़र बहुत ही अमेजिंग है। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल पे, और ये है मेरा हॉस्टल। भाई देख रहे हो लग रहा है यार कोई विला है ये, और कितना अच्छा खासा यार इसके देख रहे हो लोकेशन कितनी अच्छी खासी है, इस जगह की लोकेशन देखो यार, और सामने इतने सुंदर सुंदर पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं। सच में यार जगह बहुत अमेजिंग है। जैसा मैंने सुना था अशोक वाटिका, जैसा मैंने कल्पना किया था, ये उससे भी ज़्यादा सुंदर है। इतने सालों के बाद इतने टाइम के बाद इस जगह की खूबसूरती गई नहीं है, और अभी भाई बारिश होने वाली है बहुत तगड़ी। और ये मेरा हॉस्टल है, इसके लिए यार मैं पे कर रहा हूँ करीब $4 एक दिन का। पर डे का $4 का मतलब हो गया ₹320 एक दिन का, जिसमें नाश्ता इंक्लूडेड है। और इस हॉस्टल का नाम है हाय लंका हॉस्टल, आप लोग याद कर लेना, जब भी आप लोग आओ तो कांटेक्ट करना यहाँ पे। यही वो जगह है गाइस जहाँ पे हनुमान की मुलाकात पहली बार माँ सीता से होती है,
जब हनुमान जी, जब माँ सीता यहाँ पे बैठी हुई थी, हनुमान जी यहाँ पे उतरते हैं, उतरने के पैरों के निशान ये रहे, ये हनुमान जी के पैरों के निशान हैं इतने बड़े।